ओम साई राम। मैं सुजय खंडेलवाल हर थर्सडे की तरह इस थर्सडे भी लेकर आया हूँ आपके सामने एक बाबा की भक्त को। ये दोबारा से आ रहे हैं हमारे इस चैनल पर, इनका नाम है प्रेमा अलमत जी। जो कि मुंबई से आई है, हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ी है और मैं इनकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ। इनके हस्बैंड जो कि पैरालिटिक है, पार्किंसंस की डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि कितनी तकलीफ होती है इसके अंदर में, एंड वो व्हीलचेयर पर ही रहते हैं, उसके बावजूद भी वो उन्हें लेकर एंड पिछले महीने कोलकाता में बाबा की बुक लॉन्च हुई थी मिरेकल्स ऑफ साई कंटिन्यू, उसमें भी आई थी। एंड ऐसा नहीं कि वो आकर और कमरे में बंद हो कि भाई उनको लेकर आना है कि वहाँ कौन उनकी देखभाल करेगा, नहीं, वो मंदिरों में गए, वो घूमने गए, वो घाट पर गए, वो प्रोग्राम में आए और आज यहाँ पर शिरडी में भी आए हुए हैं। ये इतनी जो हिम्मत और करेज है ये बाबा ही प्रदान करते हैं, तो एक तालियों के साथ स्वागत हो जाए यहाँ प्रेमा अलमत जी का। हमें वीडियो यहाँ साई संगम 5 में शूट कर रहे हैं, तो प्रेमा अलमत जी मुंबई से हैं। मैं प्रेमा जी से डायरेक्टली बोलूँगा कि आप लीलाएं को शेयर करें, और हाँ, इनका अगर आपने पुराना वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ पीछे जाकर और इनके नाम से सर्च कर ले तो वो मिल जाएगा। साई राम, जो लास्ट वीडियो में जब भी सुजय जी के साथ मेरा वो इंटरव्यू हुआ था, उसी का कनेक्टेड जो आज मैं बता रही हूँ आपको, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हम लोगों का कोर्ट केस चल रहा था और चल रहा है, और फिर जब भी मैं कोर्ट में जाती हूँ मुझे बहुत डर लगता था, बहुत ही परेशान रहती थी, मेरे हस्बैंड को भी मैं डांटती थी, बच्चे सब बड़े हुए हैं, सब है, ये कोर्ट कचहरी का चक्कर में क्यों पड़ना है, क्या ज़रूरत है, बहुत कुछ होता था। लेकिन जब मेरा हस्बैंड का तबीयत थोड़ा 2019 में थोड़ा उनका तबीयत ख़राब होने लगा तो मेरा ऊपर ही पूरा जिम्मेदारी आने लगी, तो ऐसा ही मैंने बाबा को कहा था कि बाबा आप मेरे साथ रहना और मुझे हिम्मत देना। हम लोगों को कुछ पेपर सबमिट करने का था, 15 दिन पहले की बात है, तो तभी मैंने बाबा को ऐसा ही कहा था कि बाबा आप मेरे साथ रहिए, कुछ भी होने दो मेरे साथ रहिए। तभी बाबा का एक मैसेज आया था कि आई विल बी विथ यू इन द कोर्ट एंड आई नो हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग एंड डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था। उस एक हिम्मत, बाबा मेरे साथ है, वो हिम्मत से आज तक मैं चलती आ रही हूँ। और उसके बाद जो सबमिट करने का जो दिन था, पेपर सबमिट करने का दिन, मैं कोर्ट में गई थी और उस दिन बहुत लोग खड़े थे लाइन में, और लिफ्ट के लिए बहुत लोग थे, वहाँ का लोगों ने कहा कि इतना लोग यहाँ पे क्यों खड़े, दूसरा लिफ्ट है वहाँ पे जाइए। जैसा मैं वहाँ पे गई सारे के सारे लोग निकल गए, तो मैं अकेली हो गई, तो मुझे भी मन में आया अरे यार मैं वहाँ क्यों नहीं गई, यहाँ पे क्यों आई। जस्ट मैंने ऐसा ऊपर मुंडी करके ऊपर देखा तो बाबा का बड़ा सा तस्वीर था, जैसा बाबा ने मुझे कहा था मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, बाबा ने उसका सबूत दे दिया, जैसा आई थिंक श्यामा जी को उन्होंने कहा था मैं तुम्हारे से पहले पहुँच जाऊँगा उस तरह का हो गया। उसी एक उम्मीद से मैं कुछ भी हो बाबा मेरे साथ ऐसा चल रहा था, कोर्ट कैसे चल रहा था। लास्ट टाइम इन्होंने मुझे पूछा कि कोर्ट का क्या उसका रिजल्ट निकला, तो मैंने जवाब नहीं दिया था, चुप हो गई थी मैं। लेकिन कभी कभी हो जाता है, बाबा है मेरे साथ मालूम है, लेकिन हम कितना भी करें इंसान है, परेशान होती थी बहुत, लेकिन जब भी मैं परेशान होती थी मैं नटराजन को फ़ोन करती थी, वो मेरे से 2 मिनट बात करेंगे, पता नहीं उनके साथ बात करने के बाद मेरा समझो कि 2-3 महीना मेरे को फिर परेशानी लगती नहीं थी, तो वो ये मेरे लिए दवाई है, दवा का काम करते हैं नटराजन मेरे लिए। तीन महीने का रिचार्ज मिल जाता है क्या? यस यस, मैं कभी भी उनको ये नटराजन पिल का कोई ट्रेडमार्क करके मुझे लॉन्च करना है। उनको बेवक्त मैं फोन करेंगे, मैं बोलेंगे सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं, कोई बात नहीं। और कुछ उन्होंने मुझे भजन भेजते थे ताकि कुछ बोलते थे तो मुझे एक अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी जैसा मेरा आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो गई, आर्ग्यूमेंट ख़त्म होने के बाद जब आपको पता चलता है कि अभी जजमेंट आने वाला है, उस टाइम में कितना भी है हम बाबा को
श्रद्धा और सबूरी तो सभी में होते ही हैं, मुझ में भी है, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा सा पता नहीं क्या होगा ऐसा थोड़ा चल रहा था। तो उस टाइम में 8 दिन में जो जजमेंट आने वाला है तो उसमें थोड़ा सा मेरा डिले होते चलेगा बिकॉज ऑफ दूसरा कुछ केसेस वगैरह का। उन लोगों ने, जज ने बोला कि आपको 20-25 डेज के बाद आपको ये देता है। तो मैं अभी आपको एक मैसेज, मैंने इनको नहीं बताया, एक मैसेज आता है मेरा जजमेंट आने का 20-25 डेज पहला। There is a battle you have been fighting for a long time. It's been a hard road. You have felt tired and discouraged. But your Sai Baba is sending you a reminder that the outcome will be victory for you, my child. ये मुझे मैसेज आया तो वो एक मुझे अच्छा लगा कि हाँ बाबा मेरे साथ है। तो थोड़ा देर के लिए लगता है हाँ बाबा ठीक है, हम लोग थोड़ा कर रहे हैं, परेशानी है तो कुछ है, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा था जो भी होगा देखेंगे। फिर लगता था पता नहीं क्या होगा, ये सब मेरा चल रहा था। फिर जिस दिन मेरा जजमेंट था उसका प्रीवियस डे और एक मुझे मैसेज आता है, योर लीगल बैटल इज गोइंग टू बी इन योर फेवर, विक्ट्री विल बी इन योर हैंड्स, यू विल गेट प्रमोटेड इन योर करियर, कॉन्ग्रेचुलेशन माई डियर। ये मेरे को मैसेज आया तो वो मैं यूजुअली आप इनको भी लास्ट टाइम बताया, स्क्रीनशॉट लेके मैं बाबा ने एडवांस में आपको कांग्रेचुलेट कर बता दिया। फिर थर्सडे का दिन मेरा जजमेंट था हम लोगों का, तो जाके बैठी मैं, जाके बैठे तो मन तो नहीं था, फिर हम लोगों को उन्होंने बोला 1 घंटे के बाद है। तो मैं यूजुअली मैं साई चरित्र साथ में लेके जाती हूँ, जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ती हूँ, मैं पारायण करती हूँ और काफ़ी टाइम से मेरा चल रहा है। तो वो मैं बोली कि टाइम पास करने से बेटर है कि मैं पढ़ते बैठूँ, तो पढ़ते बैठी। बाद में उन लोगों ने आया, फिर हमारा लॉयर भी बैठा था, तो आई थिंक 2 लोगों का कुछ जजमेंट था, तो उन्होंने एक जजमेंट डिक्री मतलब अगेंस्ट हो गया, तो मेरा लॉयर उठ के लेने के लिए खड़ा हो गया। तो उन्होंने बोला आपका नहीं, आप बैठ जाओ, बाद में आपका है। फिर सेकेंड टाइम हम लोगों का था, उन्होंने बोला कि आपका अपील मंजूर हो गया है, और जज ने कहा कि आपको 90 डेज का अंदर जो भी आपने पैसा रखा है तो वो आपको मिल जाएगा, और जजमेंट आपकी तरफ से हो गया। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ये लास्ट थर्सडे की बात है, ये लास्ट थर्सडे की बात। साई बार साई की ब्लेसिंग्स। और साई ने अपना वादा निभाया, बाबा कभी भी हाथ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हम लोग मूर्ख लोग हमको समझता नहीं है कि हम तड़पते रहते हैं क्या होगा क्या होगा। तो मेरे लिए एक बाबा और एक लेख नटराजा। देखिए तो जो प्रेमा जी बार बार रिपीट कर रही है नटराज, मतलब ये नटराजन जी हैं जो कि साई मित्र टीम का टीम के मुखिया है, एंड बाबा की सेवा में भजनों का आनंद देते हैं। आप पीछे भी साई मित्र का नाम देख पा रहे होंगे। तो प्रेमा जी, दुख और तकलीफ ये तो कर्मों का फल है, हम सभी को भुगतना पड़ता है। तो जब विपदा या तकलीफ की घड़ी आती है, खुद के ऊपर आती है तो तकलीफ होती है, अपनों के ऊपर में आती है तो भी हाँ मन में तकलीफ होती है, परंतु दुख और तकलीफ जब इतने सारे लोग हैं उनके अंदर में आती है और हम भी उनकी दुख और तकलीफ को समझ पाए ना, तो हम बाबा के और करीब पहुंच जाते हैं। एंड अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने परिवार के लिए तो सभी जीते हैं, जब हम दिन में एक एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला सके ना, तो सोचेगा कि हम बाबा के एक कदम और पास में पहुंच गए हैं। तो इतना करेज और इतनी हिम्मत की मूरत हमारी प्रेमा जी, देखिए उनके ऊपर में कितने कितने ब्लेसिंग्स साईवार को हुई। तो प्रेमा जी एक्चुअली कड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो वो भूल गई, बट मैं नहीं भूला उसे, तो ये शायद एक्साइटमेंट में भूल गई। तो प्रेमा जी शेयर कीजिए कि बाबा ने ये जो क्या बोलते हैं कोर्ट केस की विक्ट्री है, बाबा किस प्रकार इनके घर में स्वयं आकर और आशीर्वाद दे के गए, जो कि उन्होंने मुझे
धमाधम फोन लगाया उस थर्सडे को, पिछले थर्सडे की बात है। मैंने कहा प्रेमा जी इतना कॉल वो भी इतनी रात को क्यों कर रही है भाई, और मैं उस टाइम में नटराज अन्ना के साथ ही बात कर रहा था। तो मैंने प्रेमा जी से उनका कॉल काट कर प्रेमा जी को लगाया, मैंने कहा कुछ तकलीफ तो नहीं है। तो इनका कॉल आया, पता है भैया मैं पता है सुजय जी मैं वो केस जीत गई। मैंने कहा हाँ जीत गई। मैंने हाँ, जो हमने सोचा भी नहीं था कि हम कभी जीत सकते हैं, उम्मीदें छोड़ दी थी, सब कुछ छोड़ दिया था, और वहाँ देखे बाबा ने क्या कृपा की। इसके पीछे की भी एक लीला है जो प्रेमा जी के मुख से हम सुनेंगे। हाँ जी, एक्चुअली लास्ट मंथ मेरा सन इन लॉ यूएसए में रहते हैं, उनका मुझे फ़ोन आया, और वो ही इज़ अ साइंटिस्ट, वो भगवान में इतना बिलीव नहीं करता है, और साईं बाबा का तो उसको पता भी नहीं है, कुछ भी मालूम भी नहीं है। तो उसने मेरे को बोला, आंटी मेरे को कुछ एक बात बोलना है आपसे। तो मैंने बोला क्या हुआ? वो बोलता पता नहीं, मैं आप हंसोगे ये बात के लिए, क्योंकि आनंद इस तरह से, उनका नाम आनंद है, आनंद इस तरह से बात करेगा करके, लेकिन मुझे आपके साथ ये बात शेयर करना था। तो वो बोलता है कि मैं इंडिया आया हुआ था, और हम लोग हॉल में बैठे हुए थे, हॉल में हम लोगों का ऐसा बालकनी का जैसा है, बाहर से दिखता है, कोई आ जा रहा है तो वो दिखता है। तो वहाँ पे बैठा है और बोलता अंकल और आप दोनों ठहाके मार के हंस रहे हैं, मैंने कुछ आपको कह रहा है। तो मैं ऐसा झुक के मैं देख रहा हूँ, जो हम लोगों का गेट है, गेट ओपन करके एक आदमी एंटर कर रहा है, बूढ़ा है और पूरा सफ़ेद पोशाक में, झोली हाथ में पकड़ के, सफ़ेद दाढ़ी वगैरह, और अंदर आ रहा है। और मैंने ध्यान से देखा तो वो बिल्कुल साईं बाबा की तरह दिख रहा था, और वो आपका घर की तरफ आ रहा है। तभी वो बोलता है कि मेरे को ख्वाब बिल्कुल याद नहीं रहता है। वो बोला वो उतना ही पार्ट याद होगा, फिर बाद में सडनली मेरे को जाग आ गया। तो ये आप साईं भक्त हैं, इसके लिए मुझे कहने का था। इसका मतलब यह है कि बाबा ने मेरे पहले ही मुझे इशारा दिया था, मैं तुम्हारा घर पे आ रहा हूँ, तुम्हारा सब तकलीफें दूर कर रहा हूँ। और बाबा ने बहुत ही तकलीफें, और जैसा मैंने कहा, तकलीफ मैं नहीं कहूँगी, बाबा ने मुझे कहा था आई विल बर्न योर कर्मज, और बाबा ने मेरा कर्मज खत्म कर दिया, और कुछ नहीं। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय गुरुदेव। तो चलिए प्रेमा जी, आज के इस वीडियो का समय काफ़ी हो चुका है, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये लीला हम सभी के साथ में शेयर करी। यहाँ पर इतने सारे भक्त सामने हैं, हम शिरडी में इसे शूट कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। ओम साई राम। ओम साई राम।